औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी चिकन अचारी हांडी कैसे बनाते हैं। ये मैं आपको प्योर घर के अचार के मसाले से तैयार करके बताऊंगी कि उसके मसाले से और अचार से कैसे चिकन अचारी हांडी बनाते हैं। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें। ये वाइट चिकन लिया है मैंने, बोनलेस, इनको बारीक पीसेस में मैंने काट लिया है। ये मैंने 1 कप जो है वो दही लिया है। ये मैंने लहसुन अदरक पेस्ट, ये मैं 1-1 चम्मच डालूंगी। और ये ग्रीन चिलीज मैंने बारीक पीसी हुई हैं, ये भी 1 चम्मच डालूंगी। एक नमक का चम्मच, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें मिक्स मसाला जाएगा। अब मैं इसको चिकन को मैरिनेट करूँगी सब चीज़ें ऐड करके। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट और बाकी सारे स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये मैं 1 कप जो है वो दही का डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। जी व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी का प्रोसेस। ये मैंने टमाटर लिए हैं, ये 4 अदर टमाटर हैं, इनको बारीक मैंने काट लिया है। और 3 जो हैं वो प्याज हैं मीडियम साइज़ के। अब मैं इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूँगी और इनका पेस्ट बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब हम कुकिंग की तरफ आते हैं। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल फ्राई होने के गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डालेंगे, 1 घंटा हो चुका है उसे। अब मैं वो इसमें फ्राई करूँगी। ये चिकन मैंने डाल दिया है इसमें, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। ये 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी, तब तक ये पानी जो है इसका वो ड्राई हो चुका होगा। जी व्यूअर्स, ये पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ये देखें, ऑयल छोड़ दिया चिकन में। अब मैं इसमें डालूंगी जो पेस्ट मैंने बनाया था टमाटर और प्याज का। अब हम इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 20 मिनट के लिए रखेंगे और इसका पानी भी, ये प्याज लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट जो है ये भी ड्राई हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने अचार का मसाला जो है ये 1.5 टेबल स्पून निकाल लिया है और ये एक अचार का पीस जो है इसको छोटे छोटे पीसेस में करके मैं डालूँगी एंड में। तो ये ग्रीन चिलीज मैंने दे दी हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है। ये देखें, चिकन जो है उसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, पानी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अभी मैं 10 मिनट के लिए इसे और रखूँगी, 10 मिनट के लिए और इसे बताएंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा चिकन बोनलेस अचारी हांडी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अचार और अचार का मसाला। मैं 5 मिनट के लिए इसको भूनूंगी।
ये 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून गार्निश करूंगी ग्रीन चिली से। जी व्यूअर्स, हमारी आज की रेसिपी जो है चिकन बोनलेस अचारी हांडी की, घर के अचार के अचार और उसके मसाले से वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।